हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। सुबह का टाइम है और सुबह सुबह आज मैं ब्लॉग को स्टार्ट कर रही हूँ और आप देख सकते हो यहाँ पे मैं आटा छान रही हूँ क्योंकि मैं अभी ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रही हूँ। और ब्रेकफास्ट में आज मैं बनाऊँगी पूरी और पूरी के साथ बनाऊँगी छोले की सब्ज़ी, तो इसलिए मैं पहले आटा को छान के रेडी कर रही हूँ, उसके बाद धीरे धीरे सारा ब्रेकफास्ट मैं बनाऊँगी। तो अभी आटा को छान लिया और इधर गैस ऑन कर दिया। एक साइड में मैं छोले को पहले बिठा दूंगी। छोले को मैं पहले ही थोड़ा सा नमक डाल के बॉयल करके रख दी हूँ। तो अभी क्या कर रही हूँ, तेल डाला कढ़ाई में, जब गर्म हो गया तो थोड़ा सा 5 फोड़न डाला और उसके बाद आलू काट के डाल दिया। आलू को मैं थोड़ा सा अभी लाल लाल करके फ्राई करूँगी और उसके बाद इसमें छोला डाल के और मसाला डाल के बनाऊँगी। ये मैं सब्ज़ी आज वेज बना रही हूँ, प्याज लहसुन कुछ भी यूज़ नहीं करूँगी इसमें। तो अभी मैं एक तरफ आलू को फ्राई कर रही हूँ और दूसरी तरफ जो आटा गूंद के रखा था उसको फिर से एक बार थोड़ा सा मैं गूंद ली हूँ और अभी थोड़ा सा ऑयल डाल के ग्रीस कर लेती हूँ और उसके बाद इसमें से छोटा छोटा पोर्शंस में अलग कर लूँगी जिस साइज़ का मुझे पूरी बनाना है उस हिसाब से। इस तरफ मेरा आलू भी अच्छे से फ्राई हो चुका है, लाल लाल हो चुका है, तो अभी इसमें मैं सारा मसाला डाल दूंगी। तो मैंने क्या किया है, जितना भी रेगुलर के मसाले आते हैं जैसे जीरा, धनिया, हल्दी, लाल मिर्च, इन सब को मैंने थोड़ा सा पानी में घोल के एक साथ डाल दिया और थोड़ा सा अदरक को ग्रेट करके मैंने डाल दिया है। अभी इसको अच्छे से मिलाऊँगी। इसमें मैं 2 स्प्लिटेड ग्रीन चिली भी ऐड कर रही हूँ, इससे एक स्मेल भी ग्रीन चिली का अच्छा होता है और टेस्ट भी काफ़ी अच्छा होता है। मसाला अच्छे से पक चुका है तो अभी इसमें मैं जो बॉयल किया हुआ छोला है उसको डाल देती हूँ। उसके पानी के साथ ही मैंने डाला है क्योंकि नमक डाल के मैंने इसको बॉयल किया था और अभी इसमें मैं हल्का सा नमक और डाल दूँगी ताकि कम ना पड़े इसलिए, और उसके बाद इसको मैं बॉयल होने के लिए 5-6 मिनट रख दूँगी तो मेरा ये डिश बन के बिल्कुल रेडी हो जाएगा। छोले जब तक बन रहा है तब तक मैं धीरे धीरे अपना सारा पूरिया बेल लेती हूँ। और मैं ना हमेशा पूरियों को थोड़ा सा आटा लगा के बेलती हूँ, बहुत कोई तेल लगा के भी बेलते हैं लेकिन मेरे से तेल लगा के अच्छे से नहीं होता है, इसलिए मैं थोड़ा सा आटा लगा के इसको बेलती हूँ। एक तरफ मेरा छोला का सब्ज़ी बन रहा है और दूसरी तरफ मैं सारी पूड़ियाँ बेल के रेडी कर लेती हूँ और अभी मैं इसको तलने के लिए चली जाऊँगी। तो यहाँ पे तेल को गरम कर दिया और अभी मैं एक एक करके पूड़ियाँ डालूँगी। मेरा ना कभी भी पहला वाला पूड़ी फूलता नहीं है, आप लोगों का भी ऐसा होता है क्या ज़रूर बताना। मेरा तो कभी अच्छे से पहला वाला पूड़ी नहीं फूलेगा, जितना भी मैं कोशिश कर लूँ वो अच्छा होता ही नहीं है, लेकिन सेकंड वाले से बहुत ही अच्छा पूड़ियाँ फूलता है। जैसे ये देखिए, ये वाला कितना अच्छे से फूल के आया है। तो अभी एक एक करके मैं सारा फ्राई करके रेडी कर लेती हूँ। ये है हमारा ब्रेकफास्ट, चाय, छोले की सब्ज़ी और पूड़ी, अच्छा खासा संडे ब्रेकफास्ट। हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग, मैं हूँ पौलमी एंड वेलकम टू माय चैनल बाइफोकल जिंदगी। कैसे हो आप सब,
होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं भी अच्छी हूँ। आज है संडे तो आप सबको हैप्पी संडे। अभी जाके बात करने का मौका मिला, सुबह सुबह उठ के थोड़ा मतलब ब्रेकफास्ट बना रही थी। वीकडेज में तो उतना अच्छा ब्रेकफास्ट नहीं होता है, मतलब मोनोजीत का ऑफिस भी रहता है और जल्दी जल्दी में मुझसे जो बनता है वही बनाती हूँ। तो वीकेंड्स में हम दोनों ही कोशिश करते हैं कि कुछ अच्छा खाए, ये मतलब फैमिली ट्रेंड बोल सकते हो। हमारे घर पर भी ऐसे ही होता है, सैटरडे संडे अच्छा बनेगा ही बनेगा, संडे स्पेशली। तो आज मैंने वही पूरी बनाया और छोले बनाया। और अभी तो हम लोगों का घर पे जाने का भी टाइम आ रहा है, और भी अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आने वाले हैं, आप लोगों के साथ शेयर करेंगे हम लोग कहाँ से है क्या है, हमारे फैमिली वालों के साथ भी मिलवाएंगे। तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नहीं करोगे तो मिस हो जाएगा वीडियो। सब्सक्राइब कर लेना और बेल बटन को हिट कर देना। तो अभी ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या करते हैं। जो भी होगा, जो भी अच्छा कुछ होगा तो मैं आपके साथ तो शेयर ज़रूरी करूँगी। लंच में है आज फिश फ्राई, और मैंने बनाया है चने का दाल, उसके साथ बनाया है बैंगन भाजी, बड़ा बैंगन का, और करेला भाजी, और रहू फिश मनोजीत लाया था बाज़ार से, तो रहू फिश का ये एक कालिया टाइप मैंने बनाया है। तो संडे लंच मेरा ये है, बहुत ही अच्छा खासा लंच है आज हम लोगों का। तो काफ़ी लेट हो चुका है, तो अभी हम दोनों लंच कर लेते हैं। और मैं अभी से फिर से ब्लॉग को स्टार्ट कर रही हूँ ब्रेकफास्ट के बाद, और मैंने शूट नहीं किया था तो सोचा अभी से स्टार्ट करती हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। सुबह आप लोगों से बात हुआ था और उसके बाद मैंने डायरेक्ट आप लोगों से बात नहीं किया, और आज इतना काम था ना इसलिए। और अभी हम लोग शाम हो चुकी है, तो अभी हम दोनों तैयार हो चुके हैं, थोड़ा बाहर जा रहे हैं, देखते हैं इधर उधर थोड़ा घूमेंगे, और एक दो चीज़ लेना है, अगर मिलता है तो लेंगे भी। और जैसे कि आपको बताया कि घर जाने का टाइम आ रहा है, तो अभी से प्रिपरेशन हम लोगों का शुरू हो चुका है, और बहुत ही ज़्यादा हम लोग एक्साइटेड है कि और तो बस कुछ ही दिन, उसके बाद हम लोग निकल जाएंगे और आपके साथ मज़ेदार बहुत अच्छा अच्छा ब्लॉग शेयर करेंगे नेक्स्ट। तो अभी हम दोनों निकल रहे हैं, और ये रहा मनोजीत, आपको तो दिखाना ही नहीं होता इसको। हाय, हम लोग जा रहे हैं अपने घर असम में, और मेघालय होते हुए शिलोंग होते हुए जाएंगे। ज़रूर देखिएगा, बहुत अच्छे ब्लॉग्स आपको देखने को मिलेंगे, बहुत सुंदर जगह है उधर जहाँ रहेंगे, वो भी बहुत बढ़िया है, आप मिस मत करिएगा, स्टे ट्यून्ड। और अभी हम दोनों निकल रहे हैं, अगर कुछ अच्छा होता है तो ज़रूर आपके साथ शेयर करेंगे, तो बने रहिए। अभी हम दोनों थोड़ा बाहर निकल चुके हैं और थोड़ा वॉक कर रहे हैं, थोड़ा बहुत कुछ ख़रीदना है तो वो भी ख़रीदेंगे, और एक इवनिंग वॉक भी हो जा रहा है हम लोगों का, तो अच्छा लग रहा है। ऐसे शाम में निकलने में बहुत ही अच्छा लगता है। और चलते चलते हम लोगों को एक पानी पूरी का स्टॉल दिखा, तो हम दोनों रुक गए वो खाने के लिए। पानी पूरी मुझे और मनोजीत दोनों को ही बहुत पसंद है, तो अभी हम दोनों थोड़ा सा पानी पूरी खा लेते हैं। पानी पूरी खाने के बाद हम लोगों ने लिया शोरमा रोल, ये भी बहुत ही टेस्टी था, तो अच्छा लगा, इसको भी खा के बहुत अच्छा लगा। आ गए हम लोग घूम के बाहर से, और थोड़ा बहुत काम था वो सब करके, फिर हम लोग दोनों ने गोलगप्पा खाया, उसके बाद शोरमा रोल खाया, दोनों ही चीज़ बहुत बढ़िया था। तो खा पी के आराम से घूम घाम के अभी घर आ चुके हैं, और अभी क्या, अभी थोड़ा टीवी देख वगैरह देखेंगे, वेब सीरीज़ एक देख रहे हैं हम लोग, तो वही देखेंगे अभी, और जैसे ही एंजॉय करेंगे।
तो कैसा लगा ये ब्लॉग ज़रूर बताना, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, और चैनल में नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, और उसके पास जो बेल बटन है उसको भी हिट कर देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और सामने तो और भी अच्छा अच्छा ब्लॉग आएगा ही, आपको जैसे मनोजीत ने बताया था, और बहुत लोगों से आपको मिलवाएंगे भी, तो स्टे ट्यून्ड। मिलती हूँ फिर आपके साथ एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, खुश रहिए, एंड कीप वॉचिंग बाईफोकल जिंदगी।